अंजलि पटेल जी हैं और ये नेपाल से आए हैं और यहाँ इन्हें सम्मानित किया गया। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्हें किन कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जी नमस्कार आप सबको, मैं अंजलि पटेल काठमांडू नेपाल से, मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हुई हूँ जो रानी लक्ष्मीबाई नाम का सम्मान मुझे मिला है। और मैं एक गायिका हूँ, सिंगिंग करती हूँ। काठमांडू में बहुत सारे मैं लैंग्वेज लाइक नेपाली, भोजपुरी, मैथिली और अवधी थारू में मैंने कुछ गाने गाए हैं जो यूट्यूब पर हैं। तो इसी के मूल्यांकन करके इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए और कुछ सुनाइए हम लोगों को। तो अपना यहाँ पर मैथिली गाने मैंने प्रस्तुत किया जो मेरी अभी आने वाली है, नई एल्बम आने वाली है, उसका मैंने गाने गाए। और अभी मैं कुछ सोशल वर्क भी मैं कर रही हूँ, जैसे कुछ गरीबों को अपना जो प्रोग्राम से कुछ मुझे आता है, इनकम आता है, तो उसको मैं गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और इस टाइप का प्रोग्राम सब पार्टिसिपेट करती हूँ। तो लगभग फ़िलहाल इसी में मैं व्यस्त हूँ। अभी मैं मुंबई जा रही हूँ, कुछ ऐसे ही एक दो प्रोग्राम है जो अटेंड करने हैं, तो इस प्रोग्राम से अब मुंबई के लिए निकलूँगी कुछ देर में। अंजलि जी, आप कुछ हमें सुनाएंगे गाकर अपनी आवाज़ में? जी ज़रूर, अभी मैंने सुनाया है मैथिली जो मेरा एल्बम आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी सुनाऊँगी जो अभी हमारे विनीत ठाकुर सर का ये रचना है, नेपाल के साहित्यकार हैं और हमारे गुरु क्लासिकल गुरु हैं गुरुदेव कामत, उनका ये संगीत है, तो उनके संगीत मैं गा रही हूँ। थोड़ा सुनाना चाहूँगी आप सबको। किया खन 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 कैया हमारे कंगना, किया खन 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 कैया हमारे कंगना, आई औथिन की अंगना पर देसी सजना, किया खन 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 कैया हमारे कंगना, आई औथिन की अंगना पर देसी सजना, सजना सजना, किया खन 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 कैया हमारे कंगना, आई औथिन की अंगना पर देसी सजना। थैंक यू मैम। नमस्कार, गीता रायक्वाड़ जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इन्हें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये महाराष्ट्र मिसेज इंडिया महाराष्ट्र रही हैं 2018 की। तो जानते हैं इनसे इनके बारे में और इन्हें किस लिए ये अवार्ड दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ गीता रायक्वाड़ और मुझे सोसाइटी फॉर यूथ डेवलपमेंट के द्वारा आज रानी महारानी लक्ष्मीबाई का पुरस्कार दिया गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो मैंने रियल लाइफ में इतना स्ट्रगल किया इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, 50 अवार्ड्स लिए आज तक मैंने, जो कि मेरी ट्विन डॉटर्स, हाँ जी मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी दो जुड़वा बेटियाँ हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी एंजल्स हैं, मेरी लकी चार्म है मेरे लिए। और जब से वो मेरी लाइफ में आई हैं मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मैं 2003 से मॉडलिंग करती थी, फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने ब्रेक लिया मॉडलिंग से। मिस छत्तीसगढ़ रह चुकी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ प्रांत से हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। और शादी होने के बाद हस्बैंड क्योंकि मेरे एयर इंडिया में है, मैं मुंबई पहुँची और मैंने मिसेज इंडिया महाराष्ट्र 2018 का खिताब लिया। 2014 में मिसेज इंडिया के लिए किया था, मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं 2018 मिसेज इंडिया महाराष्ट्र रही। और 2018 में ही मुझे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मॉडल अवार्ड ही मिला और इंडिया के कई मैं नामी ग्रामी अवार्ड्स ले चुकी हूँ, अपने नाम कर चुकी हूँ। 8 मार्च को भी मुझे अभी इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड मिल रहा है और मैं सबकी, जितने मेरे जो अपने हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, सबकी मैं एहसान मंद हूँ कि उनने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी जो कि बहुत ही कीमती हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक दुआ 100 दवा के बराबर होती है। तो बस उन्हीं की दुआओं का असर है कि यह आज मैं आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के साथ पुरस्कृत की गई हूँ। और ये अवार्ड मैं अपनी मम्मी, मेरी दोनों बच्चियाँ, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स और जितने भी मेरे वेलविशर्स हैं उनके नाम करना चाहती हूँ। और स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहती हूँ जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट को भी फॉलो करती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे उनकी इतनी अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स मिली है, तो आज वो जरिया मुझे लगता है कि आज मैं उनको थैंक्स कह पाऊँ, तो मैं उनको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। विद्याश्री शिवाजी यमचे, आप मुंबई से आए हैं और आप इंटरनेशनल गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है और इन्होंने लावणी डांस पर 4 गोल्ड मेडल अभी तक प्राप्त किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। बेटा आप अब अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विद्याश्री शिवाजी यमचे, मुझे लावणी में
4 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मिले हैं। मैं आज दिल्ली आई हूँ, मुझे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिलने वाला है। मिलाया है मैं। अब पूछते हैं इनके पिताजी से इनके बारे में। नमस्कार। नमस्ते जी। मेरी बेटी है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, 7 ईयर ओल्ड। उसको आज तक लावणी में 14 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, 4 इंटरनेशनल है। तो उसके वास्ते हमें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के वास्ते दिल्ली बुलाया गया है। आज तक उसका गिनीज बुक ऑफ अमेरिका में उसका नाम दर्ज है और लार्जेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड में नाम दर्ज है। 3 मराठी पिक्चर में वो काम कर रहे हैं। बस उसी के वास्ते हमें दिल्ली बुलाया है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार उसको आज मिला है, तो हमें बहुत खुशी है। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर पूजा कौशिक जी, आज आपको यहाँ पर कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, त्रिलोचन, विनोबा भावे और रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार आप सभी को, डॉक्टर पूजा कौशिक का शत शत नमन, प्रणाम। अच्छा लगता है जब, वैसे देखा जाए तो व्यवसाय मेरा एक शिक्षिका का है, मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ, लेकिन क्योंकि हिंदी की पूजा आरती अर्चना यही मेरा काम है, मेरा सब कुछ है, तो हिंदी के ही क्षेत्र में मैं हिंदी विकास मंच से भी उनकी जो पत्रिका निकलती है मैं उसकी मुख्य संपादिका हूँ। इसके अलावा हिंदी के उत्थान के अलावा नारी सशक्तिकरण हेतु काम करती हूँ, पिंकिश संस्था है, उनकी भी हिंदी पत्रिका आती है। मैं इस ज़रिए अपना जो कुछ भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं दे पाती हूँ और नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यरत हूँ और उनकी भी मुख्य संपादिका हूँ, पिंकिश नाम से जो उनकी हिंदी पत्रिका आती है। इसके अलावा जो और जैसा जितना भी हमारे, क्योंकि देश ने और समाज ने हमें सब कुछ दिया है, तो देश हित समाज हित जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करते हैं। एक समाज सेविका हूँ, कवयित्री हूँ और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि इस वर्ष मुझे लाल किले से काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। दिल्ली नवोदित साहित्यकार मंच दिल्ली, दिल्ली में यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सम्मान किया गया और कुछ पुस्तकों का विमोचन हुआ है। सर आप अपने बारे में बताएं। मैं दिल्ली नवोदित साहित्यकार मंच का सदस्य हूँ, एक सक्रिय सदस्य भी हूँ और संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। और पुस्तक एक नई मधुशाला भाग एक और एक नई मधुशाला भाग दो और 13 अल्फाज भाग एक भाग दो का विमोचन किया गया है। जो कार्यक्रम हम लोगों ने सम्मान समारोह आज किया था, बहुत ही पूर्व दिनों से पहले ये कार्यक्रम निर्धारित था। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में जो विगत क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, त्रिलोचन सम्मान, जफर वार्ड सम्मान, मैं भी उसमें एक स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान के लिए चयनित हुआ हूँ। और हमने इसमें आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय राधाकांत पांडे जी को बुलाया है, जो कि एक प्रतिष्ठित जाने माने युवा कवि हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हम अपने बीच में हमारी मोनिका दीदी, मोनिका शर्मा मन, जो कि स्टोरी मिरर में एक लेखिका हैं और जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका हैं और आप पवित्री हैं बहुत अच्छी, और हमारे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आए थे, जय सिंगारिया, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि थे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मोनिका शर्मा मन जी से आप बात करें। थैंक यू मैम। धन्यवाद। मेरा नाम मोनिका शर्मा मन है, मैं प्रतिलिपि स्टोरी मिरर में लिखती हूँ और मैं इस प्रोग्राम में आमंत्रण करने के लिए जय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय अवस्थी जो मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसमें 4 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, लघु मधुशाला भाग एक भाग दो, तेरे मेरे अल्फाज भाग एक भाग दो। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी ये चारों पुस्तकों को यदि खोल के देखा जाए इनमें भिन्न भ्रांति भ्रांति के आपको विचारधाराएं मिलेंगी, नज्म हैं, छंद हैं, मुक्तक हैं, बहुत ही सुंदर जो लेखक नए नए लेखक आ रहे हैं बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं और अपने विचारों को विभिन्न तरह से व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जय अवस्थी जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद मैम।